यार आज हम गूगल पिक्सल 4A 5G और 5 का रिव्यू करेंगे एक साथ। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स जो है ना, मतलब मेन रेयर कैमरा होते हैं उनकी दोनों कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद फिर जो है ना वाइड एंगल की, फिर 2x की, बाकी चीज़ें स्पेसिफिकेशन वगैरह तो आपको वैसे नेट पर मिल जाएंगे। लेकिन कैमरा रिव्यू, पिछली बार भी मैंने 4 का कैमरा रिव्यू किया था, तो इस बार भी है कि कैमरा रिव्यू करते कंपेरिजन करते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि हर चीज़ में तकरीबन सेम ही है 5, और बस साइज़ में थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन मतलब स्टोरेज में थोड़ा सा है, बाकी सेम ही है तकरीबन। कैमरा मतलब रेयर पिक्चर्स वगैरह का तो कंपैरिजन हो गया, अब रोटेट मोड तो ज़्यादा पता उसमें पता चलेगा कि कितना 5 अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ, या मतलब सेम ही है 4A 5G और 5 तकरीबन सेम ही है। फाइव में और 4A 5G में रोटेट में एक आता मतलब डिफरेंस है, 5 में जो है ना 2x है और 4A 5G में है 1.3x, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, लेकिन इसमें इतना कुछ वो नहीं होता क्योंकि ये पहले से ही मतलब रोटेट में तो पहले से ही मतलब इतना जूम होता है कि हमें और जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पिक्सेलेट हो जाता है। हम ये टेस्ट कर रहे हैं अभी वीडियोग्राफी का, मतलब वीडियो का कर रहे हैं टेस्ट और देखेंगे कि नॉइस रिडक्शन है या मतलब कि किसका वॉइस ज़्यादा क्लियर आता है 5 में भी और 4A में भी, 4A 5G में भी। और यार दूसरी बात ये है कि अगर आप 4 सीरीज़ में लेना है या 5 लेना है, तो 4 मैंने इस्तेमाल किया था इससे पहले, ये मेरा 5 है तो इससे पहले मैंने 4 इस्तेमाल किया था, वो 4 मतलब बैटरी में बहुत ज़्यादा इशू दे रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसको मैंने सेल करके ये 5 लिया था। तो अगर आप जा रहे हैं ना लेने के लिए, तो 4 जो है ना 34,000 या 35,000 का आएगा, तो उससे बेहतर मैं सजेस्ट करूँगा कि 4A 5G लें, क्योंकि 3-4 हज़ार ही ऊपर है, और ये है कि आपको बैटरी में भी अच्छा मिल जाएगा और ये साइज़ में भी अच्छा मिल जाएगा, और ये कि आप जो है ना 4A 5G के अंदर भी आ जाओगे, 4G है ये 4A 5G है, तो 5G के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप यहीं रहें कि मतलब 4A 5G ही लें, इससे नीचे वाला ना लें अगर मतलब आपकी रेंज है इतनी, तो क्योंकि उसमें बैटरीज का इशू आता है, तो इसमें इतना नहीं आता बैटरी का इशू इसमें, और 4A 5G में भी नहीं आता। तो यार ये वाला जो है ना अल्ट्रा वाइड एंगल है दोनों में ही, अब दोनों का मुझे तो फ़र्क नहीं पता चल रहा, आपको फ़र्क पता चल रहा होगा, अगर नहीं है तो पहले गेस करो, उसके बाद में बताऊँगा कि कौन सा वाला 5 है और कौन सा वाला 4A 5G है। मुझे तो फ़र्क नहीं पता चल रहा, आपको फ़र्क पता चल रहा होगा, अगर नहीं है तो पहले गेस करो, उसके बाद में बताऊंगा कि कौन सा वाला 5 है और कौन सा वाला 4A 5G। हम लोग वीडियोग्राफी के अंदर ही 2x पे चेक करेंगे, 2x लगा, तो ये हमारा 2x से ज़्यादा फ़र्क पता चल रहा होगा, मतलब इतना फ़र्क ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप देख लो तो हो सकता है थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा। बाकी ये बजट के लिहाज से बहुत ही अलग मोबाइल है, इतने बजट में तो मतलब वही एंड्रॉयड भी जो है 4GB या 64GB या मतलब चलो ठीक है 6GB 128GB आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसका कैमरा मज़े का नहीं होता, और बस यही होता है इंसान को चाहिए कैमरा होता है। बाकी ये कि आईफोन के शिशके हैं वो बात दूसरी है, क्योंकि मतलब लोगों का एक ये कि नोट बन गया है कि भाई आईफोन कैमरा के लिए बहुत बेस्ट है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई पिक्सल भी कोई चीज़ है, और बड़े बड़े लोग जो है बड़े बड़े यूट्यूबर टेक यूट्यूबर सजेस्ट करते हैं कि भाई गूगल इज़ द बेस्ट फॉर कैमरा, तो ये सीन है। बाकी मुझे खुद ही मैंने आईफोन यूज़ किया था, लेकिन अब गूगल यूज़ कर रहा हूँ ना, मुझे कैमरा के लिहाज से गूगल में कोई भी ये है कि शिकायत नहीं है कि भाई गूगल में ये नहीं था, गूगल में वो नहीं था, आईफोन में ये, तो बहुत बेस्ट है भाई, और बजट के लिहाज से हमारे स्टूडेंट के लिहाज से तो और ज़्यादा ही लश हो जाता है,
तो ये है कि इतने में बहुत चीज़ें मिल रही हैं हमें, इतनी चीज़ इतने पैसों में हमें इतनी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि गूगल ही लें एज़ कम्पेयर टू, बस ये है कि पेज का होता है, पेज आपको नहीं पता तो आप सर्च करके देख लो कि पेज का क्या इशू होता है क्या नहीं होता। बाकी है कि बहुत मेरा सारा काम पूरा जो है ना गूगल का। अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे 1x, 2x, 5x, 10x, 20x, 120x, तो आपको जो इस्तेमाल करना है डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियोग्राफी की बात की जाए तो यार मुझे 4A 5G के अंदर ना शार्पनेस थोड़ा ज़्यादा लगी एज़ कम्पेयर टू 5 के अंदर। 5 के अंदर जो ना थोड़ी स्मूथनेस है, थोड़ी स्मूथ वीडियोस आती हैं, तो और ये कि थोड़ा कलर्स भी कम आते हैं 5 के अंदर, और 4 के अंदर थोड़ा सा क्रिस्पी वीडियोस आती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, शायद हो सकता है कि सेटिंग के अंदर से मेरे से ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग यही आती है। यार अभी हम लोग जो चेक करने आए ना वो नॉइस रिडक्शन है, मतलब कि हवा आ रही है ना, हवा की आवाज़ कितना कितनी कट रही है, हवा की आवाज़ आ रही है, ये देखते हैं मोबाइल के अंदर कितना रिड्यूस होके हमें रिजल्ट फाइनल में क्या मिलता है दोनों में। जहाँ तक बात करते हैं नॉइस रिडक्शन की, तो काफ़ी बेहतर है दोनों मोबाइल, क्योंकि इसमें कोई मैंने फिल्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया एडिटिंग के दौरान, और ये कि उस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। तो कैमरा इतना यूज़ होता नहीं है, लेकिन स्टार्ट स्टार्ट में अगर बंदा कोई व्लॉग बनाता है, वीडियो कोई बनाता है ना, तो अपने आप को देखने के लिए फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करता है, तो वो भी बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कि नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यार ये जो है ना इसका मतलब फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा, तो उससे देखते हैं कि तो वॉइस किसका आता है, नॉइस प्रोटेक्शन इसके अंदर है या फिर कैमरा का रिजल्ट किसका अच्छा है, तो अब चेक करते हैं और आप खुद बताइएगा। तो यार सब कुछ आपने देख लिया, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेट लेते हो, 5 या 4 या 5G। बाकी ये कि मतलब प्राइस के लिहाज से दोनों सेम ही है, ये 4650 तक का जो है ना 4A 5G PT अप्रूव आ जाता है 4055 तक का, और सेम इसी के प्राइस 5 के भी जो पेच अप्रूव आता है, ये PT ऑफिशियल नहीं आता, पेच अप्रूव आता है, तो ये भी आपको 50 के अंडर अंडर जो है ना मिल जाएगा। तो अब मर्ज़ी आपकी जो सेट लो।